अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हमारे न्यू ब्लॉग में आपको वेलकम हो। सबसे पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह इस बंदी के अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से। तो मैं अभी उठी नहीं हूँ, मुझे उठे हुए काफ़ी देर हो गई है और मैंने ऑलमोस्ट अपने काफ़ी सारे काम भी किचन के शुरू कर दिए, घर के काम भी कर दिए। तो सबसे पहले मैं उठी थी और मैंने उठते ही बर्तन धोए ठंडे ठंडे पानी में, और रात के कुछ बर्तन रखे हुए थे वो वॉश किए, बच्चों की फिर बॉटल्स थी वो वॉश किए, और पानी की बोतलें वगैरह खाली थी वो भर दी हैं। किचन ऑलमोस्ट मैं क्लीन कर चुकी हूँ और अब मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। अच्छा, बर्तन जो होते हैं वो रात के खाने के नहीं होते हैं, असल में हम सब की रूटीन कुछ ऐसी है सारे बच्चों की घर के कि हम लोग रात भर जागते रहते हैं और दिन भर सो रहे होते हैं। तो बस रात भर जब तक जाग रहे होते हैं खाना पीना चल रहा ही होता है, तो बस वो बर्तन जो है ना हम लोग रात में वॉश नहीं करते हैं, क्योंकि किचन जो है वो मम्मा के रूम से बहुत करीब है और मम्मा रात में सो रही होती हैं, तो इसलिए मम्मा की नींद डिस्टर्ब ना हो इस वजह से हम लोग जो है ज़्यादा शोर वगैरह नहीं करते किचन में, तो इसलिए वो बर्तन रख देते हैं। फिर मैं मॉर्निंग में जो है वो सारे बर्तन वगैरह जो है वॉश कर लेती हूँ मम्मा के उठने से पहले पहले, ताकि वो जब उठें तो किचन वगैरह भी क्लीन हो। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि आपको दिखाऊं कि कितनी अर्ली मॉर्निंग में उठी हुई थी और सारा काम वगैरह मेरा ज़्यादातर ऑलमोस्ट फिनिश कर चुकी थी, और यहाँ पर मेरी कॉफ़ी भी फिनिश हो गई है। तो अभी मैंने वॉश किए थे कुछ कपड़े, और आजकल ना मैं डेली जो है थोड़े थोड़े कपड़े वॉश कर लेती हूँ, जो भी कपड़े होते हैं ना तो मैं वॉश कर लेती हूँ, जमा नहीं करती। उससे फिर जो है मुश्किल से 5 मिनट में कपड़े भी वॉश हो जाते हैं, और फिर अगर लॉन्ड्री जमा करो ना हफ्तों हफ्तों की तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल होती है। तो इस वजह से मैं जो है हाथ के हाथ कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो अभी मैंने कल के कपड़े वॉश किए थे और आज के कपड़े जो है वो कल मॉर्निंग में वॉश कर लूँगी। तो इस तरीके से जो है काम ईजी हो जाता है और कोई भी काम जो है वो डिले नहीं होता। शुरू हो गए अपने काम पे। हैं, ठंड नहीं लगती? चलो स्वेटर पहनो फिर आओ। चल आ जा मजदूर आदमी, आ जा पहले स्वेटर पहनना फिर आके करना ये सब। चलो आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी स्वेटर पहनाओ, आ जाओ। बाबा बहुत ठंडे बुरा, आप अंदर आओ, मैं फिर मारूं। चलो अंदर जल्दी जल्दी आओ, स्वेटर पहनो जल्दी जल्दी जल्दी। सो अभी मैं बना रही थी नाश्ता और चाय मेरी पक चुकी है, और अभी हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे, राहिल नाश्ता करके जा चुके हैं और बस मैं बच्चों को जो है नाश्ता वगैरह करवा रही थी। तो यहाँ पर आलू गोश्त था नाश्ते में और अंडा था, ऑमलेट बनाया था और थोड़ी सी मलाई थी, पराठे और चाय थे। तो मैं बस बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा रही थी, खुद भी नाश्ता कर रही थी, राहिल करके जो है नाश्ता जा चुके हैं। अच्छा भाई, तो सब काम मेरे हो गए और अभी मैं पी रही हूँ नीम गर्म पानी। ठीक है जी, नीम गर्म पानी जो है मैं तकरीबन दिन में 4 कप नहीं, ये वाले मग, बड़े वाले मग, छोटे वाले कप नहीं, ये वाले बड़े वाले मग जो है ना एटलीस्ट 4 तो पीती हूँ डेली ना। इससे क्या होता है कि इससे आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है और वेट जो है वो मेंटेन रहता है, तो और फैट बर्न भी होता है। अभी मैं ये पीने लगी हूँ और अपनी फेवरेट स्पॉट पे आके बैठ गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसी सोफे पे क्यों बैठती हूँ हमेशा, तो भाई ये जो है ना मेरा फेवरेट स्पॉट है और यहाँ पर मैं काफ़ी रिलैक्स हो जाती हूँ। और बेड पे मैं ज़्यादा नहीं बैठती क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सुस्ती होती है और ऊपर से ठंड है, तो ब्लैंकेट ओढ़ने का दिल चाहता है, फिर नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठती हूँ, यहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। और दूसरा मेरा ना चार्जर वगैरह जो है ना, चार्जर स्पॉट यहीं पर, ये तो चार्जर मुझे फ़ोन जो है चार्ज करने में बहुत ईजी होता है, यहाँ पर चार्जिंग पर लगा हुआ होता है और मैं अपने मज़े से यूज़ कर रही होती हूँ, तो इसीलिए ना मुझे यहाँ पर काफ़ी रिलैक्स फील करती हूँ। और इनको जो है मैंने ये इनका प्ले सेटअप अंदर ही लगा के दे दिया है, लेकिन वो किसी और ही काम में लगा हुआ है। चलो जल्दी से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मम्मा को पप्पी दे दो, आ जाए पप्पी दे दो। ये इतनी लिपस्टिक क्यों लगा के घूमती हो तुम, पूरे मुंह पे मल देती हो। बीबी आराम से, ओके तोड़ना देना, 4 बाल है मेरा बेटा। तो इनको मैंने अभी ना स्लाइड वगैरह जो है अंदर रूम में लगा के दी हुई है ताकि लोग यहाँ पर खेलें, क्योंकि बुराक अभी बस मॉर्निंग होती है ना, तो ये बस कहता है मुझे बाहर जाने दो और मैं खेलूँ बाहर। तो अभी मम्मा भी सो रही थी और बच्चे बाकी सब लोग भी सो रहे हैं, तो मैंने बोला अभी ये शोर करेंगे बाहर तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैंने ना इनको अंदर ही ये जो है खिलौने विलौने निकाल के दे दिए ताकि ये रूम में खेलते रहें। तो अभी जब मम्मा उठ जाएंगी तो फिर ये लोग बाहर खेलेंगे आराम से, तब कोई डिस्टर्ब नहीं होगा ना, तो अभी फ़िलहाल ये रूम में ही खेलें। चलो बैठ जाओ।
और अभी हो रहा है शाम का वक्त और मैं किचन में खाना बना रही थी और बुराक मुझे घसीट के ले आया है कि मैं उसको पहले समोसे खिलाऊं। तो फिर मैंने उसको पहले समोसे वगैरह खिलाए और उसके बाद खाना बनाने चली गई। तो आज मैं खाना जो है वो बना रही थी कीमा आलू फ्राई करके बना रही थी रोटी के साथ। चावल आज नहीं बना रही हूँ मैं, जस्ट रोटी के साथ भुना हुआ बनाऊँगी और बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। रेसिपी मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी जल्दी जो है खाना बनाती हूँ, गैस चली जाती है, तो बस इस वजह से पूरी कोशिश यही होती है कि गैस जाने से पहले खाना पक जाए। फिर दूध वगैरह जल्दी जल्दी उबालना भी होता है, तो यहाँ पर दूध वगैरह भी मैंने उबाल लिया था। दूसरा वाला भी ये बुराक का दूध उबाल रही थी अभी मैं, और 2 किलो पहले ही बॉयल कर चुकी हूँ चाय वगैरह के लिए। और अब जो है मैं वो दूध में जो है डेट्स भिगो के रखूँगी राहिल, और मैं जो है रात में सोने से पहले हम लोग जो दूध पीते हैं उसमें हम लोग जो है डेट्स भिगो के रखते हैं और उसके बाद जो है सोने से पहले उसको या तो ग्राइंड कर लेते हैं या तो फिर ऐसे ही खा के तो दूध पी लेते हैं। इससे जो है ना दूध में ताकत जो है बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं राहिल का दूध बना रही थी, इसमें जा रही हैं 6 डेट्स जा रही हैं, 6 खजूरें और 4 इसमें काजू जाएंगे और थोड़े से सेसमी सीड्स भी जाएंगे। वैसे इसमें मैं किशमिश भी डालती हूँ लेकिन किशमिश जो है ख़त्म हो चुकी है तो आज मैंने किशमिश नहीं डाली है। और मेरे वाले में किशमिश जाती है, डेट्स जाते हैं और वेलनट्स जाते हैं अखरोट, तो मैं जो है वो काजू और सेसमी सीड्स नहीं डालती हूँ। अच्छा, राहिल को स्मूदी में जो है वो अखरोट का जायका अच्छा नहीं लगता और मुझे जो है काजू का कोई टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए मैं अखरोट डालती हूँ और राहिल जो है वो काजू डालते हैं। मुझे दिखाओ। और अभी हम लोग कर रहे हैं रेस्ट और राहिल गए हुए जिम में, बुराक और मिराल के साथ जो है थोड़ा सा ऐसे गपशप वगैरह कर रही थी और साथ ही साथ हम जो है बीज खा रहे हैं, वो होते हैं ना सनफ्लावर बीज, वो खा रही हूँ। और आजकल हम लोग बहुत एडिक्टेड हुए हैं इसके, खाने बैठते हैं तो फिर बस खाते ही रहते हैं। और यहाँ पर मिराल ने मुझे बोला था कि मैं उसको अखरोट तोड़ के दूँ और आपकी बहन के ज़रा कॉन्फिडेंट लेवल चेक करें कि दांत से मैं तोड़ रही थी, और शुक्र है हमारे जो दांत हैं वो भी हमारे कॉन्फिडेंट की तरह मजबूत हैं तो मैंने तोड़ दिया था ये अखरोट दांत से ही। और फिर मिराल ने ज़बरदस्ती ये अखरोट मुझे खिलाया और इसके बाद मेरे आधे घंटे के बाद मेरे सर में शदीद दर्द होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर बैठे बैठे आपकी बहन आधा प्याला उड़ा चुकी है तो फिर राहिल आ गए थे जिम से और जो है मिराल सो चुकी थी और बुराक जो है वो अपने फूफो के रूम में था, वो खाना नहीं खा रहा था, वहाँ पर बैठ के कार्टून देख रहा था। तो बस मैंने और राहिल ने खाना खाया। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर गली में अपनी वॉक करने चले गए थे और उसके बाद वापस आके चाय पी। फिर हम लोग अब जो है बस सोने की तैयारी कर रहे हैं और मैं यहाँ पर स्मूदी बना रही हूँ राहिल का और अपना, ताकि हम लोग सोने से पहले ये पी लें। और मैं वीडियो में देख के बना रही थी तो मुझे तो बस हमारी सोने की तैयारी हो रही है और स्मूदी वगैरह बना के, तो मैं वीडियो को एंड कर दूंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, तो अगर ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अब मैं चाहती हूँ होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।